क्रिकेट का अगला वर्ल्ड कप 2023 में भारत में होना है। लेकिन क्रिकेट जगत के ये 11 बड़े नाम हमें खेलते हुए नहीं दिखेंगे। महेंद्र सिंह धोनी, जिस तरह सचिन के जाने के बाद लगा था कि अब इंडियन क्रिकेट टीम का क्या होगा, ऐसा ही धोनी के लिए भी फील होता है। हर कोई मिस करेगा कैप्टन कूल धोनी को। हाशिम आमला, विराट के साथ साथ अगर तेजी से रन बनाने का रिकॉर्ड किसी के नाम है तो वो है हाशिम आमला। साउथ अफ्रीका का ये ओपनर अपनी टीम की बैकबोन है। क्रिस गेल, लंबे लंबे छक्के और ग्राउंड पर हमेशा जॉली मूड में रहना, यही क्रिस गेल की पहचान है। उनके शॉट्स के अलावा फील्ड पर उनका डांस भी हमेशा याद रहेगा। शाकिब अल हसन, बड़े बड़े खिलाड़ियों को पीछे छोड़ बेस्ट ऑलराउंडर का खिताब मिला है शाकिब अल हसन को। वर्ल्ड कप 2019 में 606 रन और 11 विकेट्स लेने वाले इस खिलाड़ी में हर बांग्लादेशी की जान बसती है। शोएब मलिक, पाकिस्तान के लिए 287 मैच खेलने वाला ये खिलाड़ी क्रिकेट को अलविदा कह चुका है। अपने आखिरी मैच में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। रॉस टेलर, न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर को संभालने वाले रॉस टेलर का भी ये आखिरी वर्ल्ड कप था। लसित मलिंगा, अपने सटीक यॉर्कर से बल्लेबाजों की गिल्लियां उखाड़ देने वाले इस बॉलर को हर कोई मिस करेगा। बॉल डालने से पहले उसे चूमना और फिर अजीब से एक्शन से यॉर्कर डालना, ये मलिंगा की पहचान थी। इमरान ताहिर, विकेट लेने के बाद भागना और फिर किसी की पकड़ में ना आना, यही तो इमरान ताहिर का स्टाइल है। साउथ अफ्रीका के इस बॉलर को चाहे कोई सा भी ओवर डालने के लिए कहा जाए, वो विकेट चटका लेते हैं। जेपी डुमिनी, लेफ्ट हैंड बैट्समैन और राइट हैंड पार्ट टाइम स्पिनर, डुमिनी साउथ अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर को मजबूती देते थे। मशरफे मुर्तजा, बांग्लादेश के कप्तान मशरफे मुर्तजा पिछले कई सालों से अपनी टीम का बॉलिंग अटैक संभाल रहे हैं। एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका के इस ऑलराउंडर ने वर्ल्ड कप के अपने आखिरी मैच में इंडिया के खिलाफ सेंचुरी जड़ी थी। वर्ल्ड के इन रिटायरिंग 11 को क्रिकेट जगत हमेशा याद रखेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो स्कूप ऑफ हिंदी को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।